Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the ninth session for the series HRM755, Performance Management. And I'm Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. These are the topics that we had been gone through in the last session, in the last lecture. Initially, we talked about individuals and team performance. We actually tried to develop a relationship, tried to establish and identify a relationship between the individual and the team performance, and linking that with the goals of the corporation, goals of the company or the organization. Humne ye baat ki thi ki ji agar organization ke goals hain aur individual ke goals aapas mein aligned honge, to kya hoga? Individual ek theek direction mein, in one direction move कर रहा होगा, अपनी performance increase करेगा, individual performance increase करेगा, तो उससे team की performance increase होगी, team की performance increase होगी, तो as an organization जो है, as a whole जो है organization की performance बढ़ेगी. Then we talked about choices in performance management system design. हमने देखा था कि choices हमारे पास कुछ हमने सिनेरियोस देखे थे कि कौन कौन से सिनेरियोस हैं, क्या चॉइस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हम जब डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी जो हैं हमारे पास चॉइसेस होती हैं. अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जब हम कहते हैं तो इट इज़ अ कंप्लीट पिक्चर, इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टम जिसके अंदर हमने जो इनिशियली प्रोसेसेस हमने उसके डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बात की थी कि ये डेवलप कैसे होता है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, प्लानिंग फेज, ये सारे फेजेस हमने डिस्कस किए थे. फिर हमने इसके अंदर जब हमने यहाँ चॉइसेस में बात की तो हमने देखा कि चॉइसेस में हम देख सकते हैं कि सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या रिजल्ट ओरिएंटेड है या बिहेवियर ओरिएंटेड है. परफॉर्मेंस हमने किस, जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं कि जब हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी है किस बेसिस पे करनी है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या तो हम कर सकते हैं जी रिजल्ट की बेसिस पे, रिजल्ट की बेसिस पे इस तरह से हो सकती है कि हम कहें इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल अपना टास्क पूरा कर रहा है, जो उसको टास्क दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर तो कर रहा है तो दैट मीन्स के रिजल्ट इज अचीव्ड, नहीं कर रहा तो रिजल्ट जीरो है. और फिर दूसरा जो है एस्पेक्ट क्या है, बिहेवियर. अगर रिजल्ट तो ठीक है अचीव कर रहा है लेकिन क्या उसका बिहेवियर भी अच्छा है, अगर वो अच्छे तरीके से उस जॉब को कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर अच्छे तरीके से कर रहा है तो उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव है, बिहेवियर भी जो है उसके, उसको हम रेट करेंगे. तो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या तो सिर्फ हम जब डिज़ाइन बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, तो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी तो हम देखते हैं कि जी हम परफॉर्मेंस जो चेक करेंगे वो सिर्फ रिजल्ट की बेस पे करेंगे या बिहेवियर की बेस पे भी हमने करनी है. इसी तरह और देर आर अदर चॉइसेस जो कि हम डिटर्मिनेंट्स हैं देखते हैं जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी. फिर हमने डिस्कस किया था बिल्डिंग सपोर्ट. बिल्डिंग सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कल डिस्कस किया था कि जी बिल्डिंग सपोर्ट लास्ट सेशन में कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिल्डिंग सपोर्ट से हमारी मुराद क्या है? बिल्डिंग सपोर्ट से हमारी मुराद ये है कि जो हमारी, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को प्लान करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है? इंतहाई ज़रूरी चीज़ ये कि जो टॉप मैनेजमेंट जो है वो अंडरस्टैंड करे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कितना ज़रूरी है और इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकती है. एक तो चीज़ हो गया, एलिमेंट हो गया कि वो अंडरस्टैंड करे. फिर टॉप मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट भी करे. जब तक टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं होगी हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते. इसमें हमने दो तीन केस स्टडीज़ भी देखी थी कि जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट से डिसीजन उनका ट्रैवल डाउन किया, कैस्केड डाउन किया कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है,
हमारी कंपनी के लिए बहुत वाइटल है, ज़रूरी है, और इसको हमने इस तरह से इम्प्लीमेंट करना। परफॉर्म टॉप मैनेजमेंट का विजन जो था वो ट्रिकल डाउन किया। अब फिर हमने जब बिल्डिंग सपोर्ट को हमने डिस्कस किया था, तो हमने सिर्फ टॉप मैनेजमेंट नहीं, हमने एक और एस्पेक्ट भी, हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी, दैट वाज द एम्प्लॉयज, कि क्या एम्प्लॉयज़ का परसेप्शन है, एम्प्लॉयज़ की क्या परसेप्शन है, उनका क्या विजन है अबाउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जब तक हमें टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट, जब तक हमें एम्प्लॉयज़ की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। करना भी चाहें तो हम, इट विल बी अ पुअरली इम्प्लीमेंटेड सिस्टम। कुछ कॉम्पोनेंट्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब होगा, और वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रादर देन कि कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के गोल्स, मिशन, विजन अचीव करने की बजाय, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक बॉटलनेक बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब हमने फिर बिल्डिंग सपोर्ट में और ये डिस्कस किया कि अब हमें जब एम्प्लॉयज़ से भी सपोर्ट चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से भी सपोर्ट चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड कराना है टू द टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को, उनकी कोचिंग करनी है कि जी व्हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं, मैं बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, पिछले सेशंस में डिस्कस करता आ रहा हूँ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की दो चीज़ें, एक तो परफॉर्मेंस अप्रेजल है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि जी हमने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि किसी भी शख्स को कि आपने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जॉब डिस्क्रिप्शन, आपने ये काम करने हैं डेली ऑफिस आके, पूरे महीने में आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। उसके अगेंस्ट आप देख लेते हैं महीने के बाद कि इस महीने में इसने ये सारे काम किए हैं या इस साल में इसने ये काम किए हैं। अगर तो किए तो उसका मतलब परफॉर्मेंस इज़ गुड, नहीं किए तो परफॉर्मेंस इज़ पुअर। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, जिसमें कि हमने बात की कि हमने उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को जज किया, अवैल्यूएट किया। अब मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम टॉक्स अबाउट कोचिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंटल प्लान, रिजल्ट्स, बिहेवियर्स, मिशन, विजन, गोल्स, स्ट्रैटेजी, ये वो सारी की टर्म्स हैं जिनके ऊपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेस करता है, और इन चीज़ों के बगैर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चल सकता। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि कंपनी का एक विजन है, कंपनी का एक मिशन है, विजन है, फिर मिशन और विजन के ऊपर बेस करके कंपनी अपना गोल बनाती है, और गोल को अचीव करने के लिए फिर स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है और एक स्ट्रैटेजिक प्लान बना लेती है। नाउ एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक प्लान है, एक इंडिविजुअल का क्या है कि इंडिविजुअल को हम एक तो उसकी अप्रेजल कर रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं, बिहेवियर देख रहे हैं, और उस रिजल्ट और बिहेवियर की बेस के ऊपर हम उसे कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। कोचिंग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उसे बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट पिछले साल से, पिछले महीने में आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की, वेरी गुड, वेल इनाफ, अब आप, लेकिन ये चीज़ें आपने लैक थी की, आपने ये चीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, ये काम ऐसे करना चाहिए था, आपने ऐसे किया, तो हम उसको साथ गाइड करते हैं कि जी आप नेक्स्ट मंथ में आप ये कोशिश करें कि इस काम को आप ऐसे कर लें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं पूरी कर सके तो इसको भी पूरा कर लें, बिहेवियर आपका ऐसा होना चाहिए, और उसके साथ फिर आप एम्प्लॉय के साथ बैठ कर उसका डेवलपमेंटल प्लान बना लेते हैं कि आपको ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ये नॉलेज आपको चाहिए, ये एबिलिटीज़ चाहिए, ये एबिलिटीज़, ये स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, ये केएसएस जो हैं, ये आपने एक्वायर करने इस जॉब के लिए, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और उसे आपने मोटिवेट करना है साथ के परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, अच्छी अगर आपकी परफॉर्मेंस आप देंगे, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी, तो ये रिवॉर्ड सिस्टम है, हम इस तरह आपको रिवॉर्ड भी करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस
इस सारी कहानी में हमने बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने क्या किया, पहले बात की कि जी कंपनी का मिशन, विजन, गोल, स्ट्रैटेजी। अब जो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल का क्या गोल है, उसके क्या स्ट्रैटेजी है, उसका डेवलपमेंटल प्लान क्या है, और वो अलाइंड होना चाहिए कंपनी के साथ। कंपनी क्या चाहती है और इंडिविजुअल का क्या उसका डेवलपमेंटल प्लान है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी, उसका क्या विजन है। अगर ये दोनों अलाइंड है, दे आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या है, कंपनी की इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, मोटिवेशन, हर चीज इंक्रीज करेगी, डेलिबरेट परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी। सो दैट इज व्हाई बिल्डिंग सपोर्ट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल, के टॉप मैनेजमेंट भी, अदर एम्प्लॉयज, दोनों ये अंडरस्टैंड करें कि ये इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए और इसको इम्प्लीमेंट, इसको इन प्लेस होना चाहिए, और एम्प्लॉयज भी सपोर्ट करें, टॉप मैनेजमेंट भी सपोर्ट करें, तो ही वी कैन डिज़ाइन अ बेटर, द बेस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ कंपनी। It was then and there with the building support topic that we finished our chapter number 3 for the section 2, and then we started chapter number 4 for the section 2. Chapter 4 is about defining performance, choosing a measurement approach. The first topic was what is performance. हमने performance को बारह पहले भी discuss किया है, performance होती क्या है, achieve कैसे करते हैं, हमने फिर देखा कि performance क्या होती है, फिर हमने determinants देखे performance के। परफॉर्मेंस के डिटर्मिनेंट्स में हमने बात की कि परफॉर्मेंस किन किन चीज़ों पे बेस कर रही होती है, ये चीज़ें प्रेजेंट हों तो हम कह सकते हैं कि जी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग। फिर हमने डेलिबरेट प्रैक्टिस की बात की कि व्हाट इज डेलिबरेट प्रैक्टिस। डेलिबरेट प्रैक्टिस पे हमने केस स्टडीज भी देखी, हमने इंडिविजुअल्स की लाइफ्स को भी हमने डिस्कस किया था, हमने बिल गेट्स की बात की थी, हमने फ्रैंकलिन की बात की थी, हमने उसके बाद एडिसन, थॉमस एडिसन की बात की थी, आइंस्टाइन की बात की थी, और हमने डेलिबरेट प्रैक्टिस में ये की फीचर हमने ये देखा था। एक और हमने व्लादिमीर, एक पियानिस्ट था जो कि पियानो बजाता था, हमने उसको भी डिस्कस किया था कि उसने एक दफ़ा कहा कि जी मैं अगर एक दिन प्रैक्टिस नहीं करता, अपना पियानो बजाने की प्रैक्टिस नहीं करता, तो मुझे पता होता कि मैंने कल प्रैक्टिस नहीं की। दो दिन ना करूँ तो मेरी पियानो बजाने की स्किल में इतनी कमी आ जाती है कि मेरी वाइफ आइडेंटिफाई कर सकती है कि इसका आज पियानो जो है 100% नहीं प्ले कर रहा, क्योंकि इसने दो दिन से प्रैक्टिस नहीं की। अगर मैं एक हफ्ता प्रैक्टिस ना करूं, पांच दिन प्रैक्टिस ना करूं, तो दुनिया को पता चल जाता है कि इसका जो परफॉर्मेंस है पियानो बजाने की, वो डिक्लाइन कर रही, नीचे को आ रही है। सो हमने ये केसेस डिस्कस किए थे, और हमने डेलिबरेट प्रैक्टिस बेसिकली डिफाइन कैसे की थी। हमने डेलिबरेट प्रैक्टिस के अंदर हमने बात देखी थी कि डेलिबरेट प्रैक्टिस ये नहीं है कि अगर मैं गोल्फ का एक अच्छा प्लेयर बनना चाहता हूँ तो मैं हर रोज़ 4 घंटे गोल्फ खेलने जाऊँ और एक शॉट, दूसरी शॉट, तीसरी शॉट, और हो सकता है आफ्टर सम टाइम मेरी परफेक्शन इतनी हो जाए कि मैं हर शॉट होल के अंदर जो है डाल सकूं। दिस इज नॉट डेलिबरेट प्रैक्टिस। या मैं कहूं कि जी मैं आई वॉन्ट टू बी अ कार ड्राइवर, मैं रोज कार गाड़ी चलाने चला जाता हूं, रेसिंग ट्रैक पर चला जाता हूं, F1 फॉर्मूला में हर रोज इतनी 10 घंटे गाड़ी चलाता हूं और उससे मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। नो, दिस इज नॉट डेलिबरेट प्रैक्टिस, दिस इज जस्ट प्रैक्टिसिंग। डेलिबरेट प्रैक्टिस क्या है? डेलिबरेट प्रैक्टिस ये कि मैं हर रोज़ गोल्फ खेलता हूँ, हर रोज़ मैंने पंक्चुअलिटी इज़ मस्ट, मैंने रोज़ 4 घंटे 3 घंटे मैंने गोल्फ के लिए रखे हैं, मैं गोल्फ खेलने जाता हूँ और उसके बाद मैं एक शॉट मारता हूँ और मैं फिर सोचता हूँ कि इस शॉट को मैं अपनी बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था। मैं कैलकुलेट करता हूँ कि अगर मैंने फोर्स कम लगाई होती या फोर्स ज़्यादा लगाई होती, राइट से मैंने स्टिक पकड़ी होती, लेफ्ट से स्टिक पकड़ी होती, तो मेरी क्या परफॉर्मेंस होनी थी। फिर सेकेंड स्टेप है कि मैं किसी सीनियर को, किसी कोच को मैं के सामने उसे मैं कहता हूँ मैं शॉट मारता हूँ, आप मुझे बताएं कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस शॉट,
इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, मुझे गाइड करें कि मैं अपनी गेम को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, फिर उसके जो जो वो मशवरा दे, जो वो कोचिंग प्रोवाइड करे, उस पर मैं अमल करूँ. उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं, नॉट ओनली टू द कोच, फिर मैं अदर लोगों से भी डिस्कस करूं कि गोल्फ की गेम कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं, साथ साथ प्रैक्टिस करता रहूं. दिस इज़ व्हाट डेलिब्रेट प्रैक्टिसेस. और इसका लास्ट हमने फोर्थ स्टेप ये पढ़ा था कि पहले जो है हमने फिफ्थ स्टेप ये पढ़ा था कि पहले चार स्टेप जो हमने डिस्कस किए उनको रिपीट करता रहूँ हर रोज़ में. रिपीट कैसे करता हूँ, हर रोज मैं टाइम पे खेलने जाऊँ, पंक्चुअलिटी से जाऊँ, मेहनत से खेलूँ, और फिर अपने आप को खुद भी एनालाइज करूँ, कोच किसी से कोचिंग भी लूँ, उससे भी एनालाइज करूँ, और लोगों से भी एनालाइज करूँ, गेम को डिस्कस करूँ, गेम के अंदर पॉइंट्स और ऐड करूँ, और उसको मेहनत करता जाऊँ. ये बार बार अगर मैं साइकिल को रिपीट करता जाऊँ तो दिस इज व्हाट डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज. सो दिस वॉज अबाउट व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर. Now coming to today's agenda, today we'll talk about the determinants of performance, implication for addressing performance problems, factors influencing determinants of performance, performance dimensions, reasons for inclusion of task in contextual performance and performance management system. ये वो topics हैं जिनको आज हम discuss करेंगे, आज हम पढ़ेंगे. इसके अलावा हर हमने शुरू के सेशंस में ये डिस्कस किया था, मैं आपको बार बार हम फॉर्मेट भी हमारे हर सेशन का लेक्चर का यही होता है कि बिकॉज दिस इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड मैं आई रियली डू नॉट वांट कि आपको ये सब्जेक्ट मुश्किल लगे, इस वजह से मैं सारी रियल केस स्टडीज सिनेरियोज लेके हर टॉपिक के साथ मैंने ऐड किए होते हैं, सो दैट हम एक टॉपिक को पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें और साथ समझ सकें कि ये अप्लाई कैसे होता है, या किस सिचुएशन के अंदर ये क्या एग्जांपल इसकी एप्लीकेबल है, क्या किस तरह से ये सिचुएशन इसको हैंडल की जा सकती है. सो कमिंग स्टार्टिंग दिस लेक्चर नाउ, डिटरमिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, हमने लास्ट सेक्शन में भी, हाँ लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसको डिस्कस किया था. अ कम्बिनेशन ऑफ थ्री फैक्टर्स अलाउ सम पीपल टू परफॉर्म एट हायर लेवल्स देन अदर्स. ये तीन फैक्टर्स हों तो एम्प्लॉयज़ या जो हैं लोग अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोगों से कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले तो डिक्लेरेटिव नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसीजरल नॉलेज और मोटिवेशन. ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल में, एक एम्प्लॉय में हों तो वो दूसरे एम्प्लॉय से बेहतर परफॉर्म करेगा. Then we discussed what is declarative knowledge. Declarative knowledge को हमने कहा कि is information about facts and things, including information regarding a given task, requirement, label, principles and goals. अगर एक employee को पता है कि उसका क्या goal है, उसकी responsibility क्या है, उसने कौन कौन से काम करने हैं, कैसे करने हैं, ये सारी उसकी declarative knowledge है. उसे उस organization के facts भी पता है कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ये उस अपने जॉब के फैक्ट्स भी पता है कि मुझे ये काम ज़रूरी करने हैं, इसके बगैर आई कैन नॉट सर्वाइव. दीज आर ऑल डिक्लेरेटिव नॉलेज फैक्ट्स. प्रोसीजरल नॉलेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोइंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट एंड इंक्लूड्स कॉग्निटिव, फिजिकल, परसेप्चुअल, मोटर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. प्रोसीजरल नॉलेज क्या है, कोई भी काम करना है आपने वो काम करना कैसे है, एक तो काम कौन सा करना है और कैसे करना है. उसके लिए आपको सपोज मैंने लास्ट सेशन में भी एक एग्जांपल दी थी कि एक टेबल है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मैंने किसी शिफ्टिंग करनी है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्टिंग करनी है. अब शिफ्टिंग करनी है, इट इज़ अ टास्क, ये फैक्ट मुझे पता है, डेलिब्रेट नॉलेज है, और ये भी मुझे पता है कि शिफ्टिंग कौन कौन से आइटम्स की करनी है, टेबल्स, कुर्सियाँ कितनी, ये सारे के सारे मेरी डेलिब्रेट नॉलेज. प्रोसीजरल नॉलेज क्या है कि मैंने शिफ्टिंग करनी कैसे है, क्या मैंने खुद उठा के ले जाना है, क्या मैंने किसी की हेल्प मांगनी है, क्या मैं फिजिकली खुद इतना स्ट्रांग होकर उठा सकता हूँ, फिर मैंने और कौन कौन से टास्क इसके अंदर, कैसे कौन सी चीज़, एक टेबल है उसे अकेले में उठा सकता हूँ या दो बंदों से उठवानी है, या शीशा है उसको ग्लास को कैसे मूव करना है,
ये सारी क्या है प्रोसीजरल नॉलेज है. नाउ मोटिवेशन. मोटिवेशन इन्वॉल्व्स थ्री टाइप्स ऑफ चॉइस बिहेवियर्स. फर्स्ट इज चॉइस ऑफ एक्सपेंडिंग एफर्ट. फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू वर्क टूडे. सेकेंड इज चॉइस ऑफ लेवल ऑफ एफर्ट. फॉर एग्जाम्पल आई विल पुट इन माई बेस्ट एट वर्क वर्सेज आई विल नॉट ट्राई वेरी हार्ड. थर्ड वन इज चॉइस टू परसिस्ट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट लेवल ऑफ एफर्ट. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव अप आफ्टर अ लिटिल वाइल वर्सेज आई विल परसिस्ट नो मैटर वॉट. मोटिवेशन क्या है हम डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं कि जी हम बात करते हैं कि जी आई एम नॉट मोटिवेटेड टू डू दिस वर्क. मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे काम समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा इस बात पे. इसमें क्या है तीन तरह के आगे चॉइस बिहेवियर्स हैं मेरे. एक तो है चॉइस टू एक्सपैंड एफर्ट. एक्सपैंड एफर्ट क्या होती है कि जी मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ और ऑफिस जाता हूँ. अगर मैं ऑफिस नहीं जाता तो आई एम नॉट एक्सपेंडिंग माय एफर्ट्स. दूसरी बात क्या है लेवल ऑफ एफर्ट कि मैं ऑफिस तो जाता हूँ लेकिन काम मैं बहुत खुश दिली से नहीं करता, बेदिली से. आधा काम कर लिया, आधा नहीं किया. यार आज हम अक्सर बात करते हैं कोलीग्स आपस में ऑफिस में कि यार आज तो बड़ा स्लो डे है, काम का मज़ा नहीं आ रहा, दिल नहीं कर रहा, नींद भी आ रही है और मेरा तो दिल कर रहा है मैं घर चला जाऊं आज. बस कुछ तबीयत भी मुझे लग रहा ठीक नहीं है, मैं आज काम नहीं कर सकता. दिस इज चॉइस ऑफ लेवल ऑफ एफर्ट. इसमें आप या तो ऑफिस पहुंच के बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके काम करते हैं, अपना यू शो योर बेस्ट, या बस ज़बरदस्ती ये छह फाइलें पड़ी हैं यार, ये आज निकालनी है, आज मैंने इन सबको चेक करके साइन करना है और नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेजनी है. बड़ा प्रेशर है बॉस का कि यार ये फाइलें आप कर दें. दिल्ली से मैं देखता हूँ, अच्छा चलें बस करता हूँ, मैं आज करके जाऊँगा. नेक्स्ट वन इज चॉइस टू परसिस्ट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट लेवल ऑफ एफर्ट. अब लेवल ऑफ एफर्ट तो हमने बात कर ली, उसके बाद अब परसिस्ट इन द एक्सपेंडिचर कि अब मेरे पास छह फाइलें हैं, वो बॉस ने मुझे कहा कि ये छह फाइलें आज की डेट के अंदर नेक्स्ट डिपार्टमेंट को चली जानी चाहिए. अब मुझे ये फाइलें कब मिली थी, मुझे 5 बजे मुझे छुट्टी होती है, मुझे 4 बजे मिली और अब वो फाइलें, हर फाइल जो है उस पर टाइम लगता है, मैंने उसको पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके ऊपर डिसीजन लेना है, फिर नोट लिखना है मैंने और फिर मैंने उसके बाद वो फाइलें जब लिख चुका हूँगा तो फिर मैं अपने PN को कहूँगा कि ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट में पहुँचा दीजिए फाइलें. नाउ इस सारे प्रोसीजर में मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे. तो एक तो चीज़ ये कि जी चॉइस टू एक्सपेंड एफर्ट कि मैं ऑफिस चला गया. दूसरी बात ये कि वो काम मेरे पास आ गया, मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ कि जी अच्छा मैं कर लेता हूँ, करके जाऊँगा. लेकिन ऊपर से मेरी छुट्टी भी हो गई, 5 बजे छुट्टी होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि नो मैटर वट, ठीक है छुट्टी होगी कोई बात नहीं, आई स्टे अप लेट, लेकिन ये मैं काम करके आज दे के जाऊँगा. एक चीज़ ये हो सकती है कि काम मुझे मिला 4 बजे मिला, मैं मेहनत से मैंने 5 बजे तक किया, मैंने कहा जी 5 बजे तक इतना ही काम हो सकता है तो बाकी काम मैं अब सुबह आके करूँगा, कल आके फाइलें भेजूँगा. दूसरी चॉइस मेरे पास ये कि नहीं ठीक है मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ और मैं आज करके जाऊँगा, ये मैं काम भेज के जाऊँगा. आई विल गिव अप आफ्टर लिटिल वाइल वर्सेज आई विल परसिस्ट नो मैटर वॉट. एक तो ये कि मैं बस काम हर सूरत कम्प्लीट करके दे के जाऊँगा, एक है कि यार मैं 5 बजे देखूँगा जितना हो गया उसके बाद मैं चला जाऊँगा. आई नीड टू गेट होम, 5 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है. सो ये क्या है मोटिवेशनल चॉइसेस हैं कि हम हर चीज के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, व्हाट डू वी वांट टू डू. फैक्टर्स डिटर्मिनिंग परफॉर्मेंस, ये फैक्टर्स हैं तीन, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और मोटिवेशन. इन तीनों को हम कैसे डिटर्मिन करते हैं कि जी हर एम्प्लॉय की डिक्लेरेटिव नॉलेज कितनी है, प्रोसीजरल नॉलेज कितनी और वो कितना मोटिवेटेड है. और तीनों को हम रैंक एंड स्केल देते हैं कि जी इतने परसेंट डिक्लेरेटिव है, इतने प्रोसीजरल है, इतने मोटिवेटेड है. तो इन सारों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल परफॉर्मेंस आ जाती है. अब हमने डिक्लेरेटिव में बात की थी कि जी फैक्ट्स, प्रिंसिपल, गोल्स को उसे पता होना चाहिए.
प्रोसीजर में हमने कहा था कॉग्निटिव, साइकोमोटर, फिजिकल, इंटरपर्सनल स्किल्स, मोटिवेशन में चॉइस टू परफॉर्म, लेवल ऑफ एफर्ट, परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट, ये वो चीजें जिन पे बेस करती है हमारी परफॉर्मेंस. द थ्री डिटरमिनेंट्स हैव अ मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप सच एज परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू डिक्लेरेटिव नॉलेज इनटू प्रोसीजरल नॉलेज इनटू मोटिवेशन. इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके ऊपर टोटल परफॉर्मेंस आ जाती है. इफ एनी ऑफ द डिटरमिनेंट्स हैज अ वैल्यू ऑफ जीरो देन परफॉर्मेंस आल्सो हैज अ वैल्यू ऑफ जीरो. ये हमने कल भी लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था. नाउ कमिंग टू अ न्यू टॉपिक. नाउ ये लास्ट जो हमने भी डिटरमिनेंट्स डिस्कस किए हैं ये बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द एड्रेसिंग द परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स. सो दैट इज़ वाई हमने क्योंकि लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, मैंने दोबारा इनको डिस्कस इसलिए किया ताकि आपको एक दफ़ा ये रिफ्रेश हो जाए और इसमें कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ सकी तो आप इसको दोबारा से गो थ्रू कर सकें. द फैक्ट दैट परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय कंबाइंड एफर्ट ऑफ थ्री डिफरेंट फैक्टर्स हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर एड्रेसिंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स. अब क्योंकि हमें पता चल गया कि परफॉर्मेंस जो है तीन डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिक्लेरेटिव है, उसके बाद प्रोसीजरल है और हमारी मोटिवेशन है. ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है. परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होती है इन तीनों डिटर्मिनेंट्स की वजह से. तो अब इन तीनों के ऊपर नीचे होने से क्या होता है, डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं, इनकी वजह से परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं. तो अब हम देखेंगे क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसकी. In order to address performance problems properly, manager must find information that will allow them to understand whether the source of problem is declarative. अब कोई भी अगर हमारे performance problem आ जाती है तो performance problem का फिर manager source find करता है. manager देखता है कि जी declarative की वजह से, procedural knowledge की वजह से या motivation और some combination of these factors. कि declarative और motivation ये दोनों जो हैं उसकी जो हैं इसकी रेटिंग कम है तो इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रहा है. द फैक्टर्स दैट डिटरमिन परफॉर्मेंस आर अफेक्टेड बाय, और ये जो हमने तीन फैक्टर्स हमने डिपेंड किए, हमने तीन फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और मोटिवेशन, ये किन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन. द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अपने बिहेवियर एटीट्यूड से, वो डिक्लेरेटिव नॉलेज गेन नहीं करना चाहता, वो जानना ही नहीं चाहता उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. प्रोसीजरल नॉलेज का वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, मोटिवेटेड वैसे नहीं है. या ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, एचआर आपकी कोई हेल्प नहीं करता, एचआर नहीं बताता आपको कि काम करना कैसे, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देता, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता ही नहीं है. या द वर्क एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट इतना अजीब सा है कि यू डू नॉट फाइंड योर सेल्फ मोटिवेटेड. वर्क एनवायरमेंट की मैं छोटी सी एक एग्जांपल आपको ये दे सकता हूँ कि आप किसी भी, मैंने एक रिसेंटली एक जगह पे मैंने जॉब स्विच की तो वहाँ पे जो मुझे ऑफिस इनिशियली दिया गया बिकॉज मैं जिन साहब की जगह पे गया था वो अभी उन्होंने क्योंकि रिज़ाइन उन्होंने कर दिया हुआ था लेकिन वो अपना पीरियड कंप्लीट कर रहे थे तो मुझे 20 दिन अभी थे उनके जाने में तो 20 दिन के लिए मुझे कोई एक और ऑफिस दिया गया. एंड दैट ऑफिस वाज इन द बेसमेंट और वहाँ पे और भी बहुत सारे कोई अबाउट 20 ऑफिसेस थे बेसमेंट के अंदर. लेकिन बेसमेंट में वो जब मैं एंटर हुआ पहली दफ़ा तो इट वाज सच अ ग्लूमी लुक. लाइट एक तो बड़ा फैक्टर थी, धूप अंदर नहीं आ रही थी, कहीं कोई खिड़की नहीं और उसके बाद अंदर ट्यूबलाइट्स तो जल रही थी लेकिन फिर भी लाइट बहुत कम और बड़ा ग्लूमी सा सैडनेस सी एक लोग वो ऑफिसेज एक लाइन में सीधे ऑफिस से ऑफिस ऑफिस ढे वो दूर तक ऑफिस ऑफिस चल रहे हैं और उसी के अंदर मुझे एक ऑफिस दिया गया था. तो वहाँ वैसे ही जाके एनवायरमेंट ही ऑफिस का देख के जो है मेरा काम करने को वहाँ पर दिल नहीं करता था कि यार ये मैं ये कैसी जगह है. और फिर उसके बाद जब इन अनदर 15 डेज जब मुझे मेरा दूसरा ऑफिस मिला तो इट्स अ बेटर प्लेस, सनी है वहाँ पे, आई मीट पीपल आ रहे हैं जा रहे हैं और इस तरह से इट्स अ गुड प्लेस.
सो इस तरह की भी चीज़ों से आपको मोटिवेशन या इस तरह की चीज़ों से भी आप डीमोटिवेटेड होते हैं या ऑफिस के अंदर आते हैं ऑफ कलीग्स जो हैं वो आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे तो आपका भी दिल नहीं कर रहा काम करने का घर में कोई आपकी लड़ाई झगड़ा है या रास्ते में आते हुए तो बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से फैक्टर्स आपके मोटिवेशन कम ज़्यादा हो सकती है। एक हम अब केस स्टडी डिस्कस करते हैं। एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ एनुअल ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट आर IBM 1 billion, Accenture 717 million एंड फोर्ड मोटर्स 500 million। IBM, Accenture और फोर्ड मोटर ये बहुत बड़ी दुनिया की कॉरपोरेशंस हैं कंपनीज हैं जिनके अंदर ट्रेनिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक ट्रेनिंग के लिए जो उन्होंने फंड है दैट इज IBM में 1 billion है, असेंचर में 717 million है पर ईयर और फोर्ड मोटर्स में 500 million है। इन दीज कंपनीज डेक्लेरेटिव नॉलेज इज नॉट लाइकली टू बी अ बिग प्रॉब्लम। इन कंपनियों में डेक्लेरेटिव नॉलेज इतनी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज व्हेन लैक ऑफ नॉलेज इज आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू फिल इन द गैप। क्योंकि अगर किसी की नॉलेज कहीं पे कम होती है तो क्योंकि इतना बड़ा उनका ट्रेनिंग का बजट है उन्हें एम्प्लॉयज़ को बार बार चीज़ों के ऊपर ट्रेन करते रहते हैं तो उनकी नॉलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती रहती है। हाउएवर परफॉर्मेंस में बी रिलेटेड मोर टू प्रोसीजरल नॉलेज एंड मोटिवेशन। अब उनकी क्या है कि जो परफॉर्मेंस किन वजह से जो है वो ख़राब हो सकती है प्रोसीजरल नॉलेज और मोटिवेशन की वजह से। इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज एम्प्लॉयज में एक्चुअली हैव द नॉलेज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क बट मे नॉट हैव द स्किल टू डू देम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। अब क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं उनका प्रोसीजरल नॉलेज तो उनको पता है प्रोसीजर परफॉर्म कैसे करना है उनको पता तो है लेकिन क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं उन्होंने पहले किया हुआ नहीं है तो दैट इज़ वाई उनकी प्रोसीजर नॉलेज जो है वो लैक करती है। इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन डाउनसाइजिंग इंटरवेंशन में हैव अ कॉज अ सर्वाइवर सिंड्रोम विच इंक्लूड्स रिटेन्ड एम्प्लॉयज फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन रिजेंटमेंट एंड इवन एंगर। अब क्या है क्योंकि ये सारी कंपनीज ग्लोबल जो हमारा एक सेटबैक था 2008 के अंदर क्राइसिस था फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ्स करने शुरू किए अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया तो एक वो वैसे ही जो है एक खौफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर तारी हो जाता है जिसकी वजह से उनको खौफ है कि वो निकाल ना दिए जाएँ जिसकी वजह से क्या है जैसे सर्वाइवर सिंड्रोम भी कहते हैं और जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन रिजेंटमेंट एंगर उस इन वजूहात की वजह से उनकी मोटिवेशन ख़राब होती है कम हो जाती है। द फीलिंग्स आर लाइकली टू हैव स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन मोटिवेशन एम्प्लॉयज में एक्सपेंड मिनिमम एनर्जी ऑन देयर जॉब्स। और वो सारी एनर्जी तो अपनी एग्जर्ट कर रहे होते हैं नेगेटिव उस पर डीमोटिवेशन के ऊपर तो अपनी जॉब पे कंसंट्रेशन के लिए उनके पास मोटिवेशन बचती कोई नहीं। So that is another big problem in performance management. Now coming to determinants of performance, अभी हमने बात की procedural, declarative और motivation हैं तीनों। In addition, HR practices and work environment can affect performance. अभी हमने ये बात भी discuss की when addressing performance problems, manager first need to identify which of these factors is hampering performance and then helps the employee improve his or her performance. और फिर क्या है कि जो manager होता है वो इन तीनों में से देखता है कि जी employee के performance में problem आ रहा है तो उसकी क्या वजह है declarative knowledge की वजह से आ रहा है procedural knowledge की वजह से या motivation इन तीनों में से को identify करता है कि जी इन तीनों में से किस किस में problem है और फिर उसकी counseling करता है उसे training provide करता है और help करता है कि वो अपनी performance को increase कर सकें। Performance is multi-dimensional, meaning that we need to consider many different type of behaviors to understand performance. Although we can identify many specific behaviors, two types of behaviors or performance facet stands out. बहुत सारी तरह के behaviors हैं क्योंकि performance एक बड़ी multi-dimensional किस्म का एक area है। अभी हमने इसमें देखा कि determinants उसके तीन हैं declarative, प्रोसीजरल और मोटिवेशन। इन चीज़ों के अलावा से परफॉर्मेंस हम इन डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बेस करके हम नहीं उसको जज करते देर कैन बी सर्टन बिहेवियर्स एज वेल। अब बिहेवियर्स बहुत सारी टाइप के बिहेवियर्स हैं जो मेन जो चीज़ें हैं स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट
One is task performance, another one is textual performance. Contextual and task performance must be considered separately because they do not necessarily occur in tandem. मतलब ये दोनों contextual and task performance को हम अलग-अलग measure करते हैं. कई दफा ऐसा होता है कि दोनों भी किसी employee में इन दोनों की वजह से जो है behaviors की वजह से उसकी performance खराब हो रही है. कभी सिर्फ एक task performance की वजह से उसकी जो है performance कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, कभी contextual की वजह से. Now, what is task performance? Task performance is defined as activities that transform raw material into the goods and services that are produced by the organization. Ab kya hai task performance? Is activities that transform raw material into the goods and services that are produced by the organization. Wo kaam jo ki organization ke core functions hain. Core functions ka matlab hai ki हर एम्प्लॉय को एक कोई ना कोई टास्क दिया हुआ है कि जी आपने ये करना है, ये आपकी एक्टिविटीज हैं, ये आपने एक्टिविटीज पूरी करनी है. एक्टिविटीज दैट हेल्प विद द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बाय रिप्लेनिशिंग द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स फिनिश्ड गुड्स, प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरवाइजिंग और स्टाफ फंक्शंस दैट इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब वो एक्टिविटीज क्या क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन का कोर फंक्शन क्या है, वो क्या करती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी है, फिनिश प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरवाइजिंग, स्टाफ की सुपरवाइजिंग, प्लानिंग, ये सारे फंक्शंस हैं. और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अगर वो कर रही है तो दैट मींस के टास्क परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग. अब कॉन्टेक्चुअल क्या है, मैनी ऑथर्स यूज द लेबल्स प्रो सोशल बिहेवियर. बहुत सारे ऑथर्स और जो ह्यूमन रिसोर्स के जो हैं, ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम के जो वो हैं ऑथर्स, मेन मेन ऑथर्स और जो स्पेशलिस्ट हैं, वो कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस को प्रो सोशल बिहेवियर भी कहते हैं और एंड ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर भी कहते हैं. Contextual performance is defined as those behaviors that contribute to the organization's effectiveness by providing a good environment in which task performance can occur. Do cheeze. Ab humne pehle to discuss kiya ke ji contextual aur task performance do tarah ke specific behaviors hain jo ke affect karte hain company ki ya organization ki performance. Kaise affect karte hain? Ek to affect karta hai task performance through the activities. कंपनी की क्या एक्टिविटीज़ हैं, कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, वो कैसे, उसके क्या आगे प्रोसीजर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं. दूसरा कि कंपनी कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस कैसे हम मेजर करते हैं कि कंपनी जो है वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए एनवायरनमेंट कैसा प्रोवाइड कर रही है. कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स बिहेवियर सच एज द फॉलोइंग, परसिस्टिंग विद एंथुजियाज्म and exerting extra effort as necessary to complete one's own task activity successfully, for example being punctual and rarely absent, expending extra effort on the job. Humne abhi main ek dafa isko dobara summarize kar deta hu sari cheezon ko so that aapki understanding better ho jaye. Is pe हमने बात की कि परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करते हैं. हमने पिछले सेशंस में बात की थी कि जी परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं दो तरीके से, एक तो हम रिजल्ट्स देखते हैं और एक हम बिहेवियर्स देखते हैं. फिर हमने बात की कि परफॉर्मेंस का जो हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या हैं, किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के डिज़ाइन में डिक्लेरेटिव नॉलेज है, उसके बाद प्रोसीजरल नॉलेज है और मोटिवेशन है. हम इन तीन चीज़ों को देखते हैं और अगर कोई भी परफॉर्मेंस के अंदर प्रॉब्लम या इशू आता है तो हम मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कि जी ये डिक्लेरेटिव का है की वजह से है, प्रोसीजरल की वजह से या मोटिवेशन की वजह से. अब हमने कहा कि जी हम परफॉर्मेंस तो एक तो इस तरह से चेक करते हैं. फिर हमने कहा जी परफॉर्मेंस हम चेक एक और तरीके से भी करते हैं, वो क्या है, स्पेसिफिक बिहेवियर्स को हम चेक करते हैं, देखते हैं. अब स्पेसिफिक बिहेवियर्स क्या हैं, एक तो है टास्क परफॉर्मेंस का है बिहेवियर. टास्क परफॉर्मेंस का बिहेवियर ये है कि जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक्टिविटी दी गई वो आप करें. कंपनी अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करती है तो आप
का जो रोल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, आपने डेली आके मशीन ऑन करनी है, मशीन ऑफ करनी है, जनरेटर ऑन करना है, जनरेटर ऑफ करना है, आप अपना काम, अपना टास्क कर रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर टास्क परफॉर्मेंस, दैट इज़ वन बिहेवियर। अदर वन इज़ कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस। कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस की हमने बात की कि जी ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा वर्क एनवायरमेंट, आप का बिहेवियर उस एनवायरमेंट के साथ कैसे मर्ज करता है, क्या प्रोवाइड करते हैं अपना टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब टास्क को कंप्लीट करना, टास्क हमने दिए कि जो आपने डेली सुबह 8 बजे आना है, आके जनरेटर ऑन कर देना है और 1 बजे बंद कर देना है, फिर 2 घंटे की ब्रेक होगी, उसके बाद फिर ऑन कर देना है, फिर बंद करना है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने जनरेटर के पास मौजूद रहना है, किसी वक्त भी ब्रेक डाउन होता है, कुछ भी होता है, तो आपने फ़ौरन जनरेटर को ठीक करना है और जो भी रिक्वायर्ड उसके हैं ये आपकी आपने काम करना है। अब कॉन्टेक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टास्क परफॉर्मेंस तो ये है कि आप डेली सुबह आते हैं और जनरेटर टाइम पे ऑन हो जाता है। कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है कि आप टाइम पे खुद आते हैं और टाइम के ऊपर आके आप जनरेटर को ऑन करते हैं। टास्क परफॉर्मेंस तो ये है ना कि आप आपने जनरेटर ऑन किया, डेली ऑन किया, डेली ऑफ किया, आप टास्क पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो टास्क टाइम पे पूरा कर रहे हैं, पूरे 8 बजे जनरेटर ऑन हो जाता है, 1 बजे बंद होता है, फिर 3 बजे ऑन होता है, फिर 5 बजे बंद होता है, अगर आप टाइम पे कर रहे हैं, पंक्चुअल हैं, दैट इज़ कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ छुट्टी कर लेते हैं, टाइम पे नहीं आते, जनरेटर कभी ऑन कर दिया, कभी नहीं किया। ये एक बिहेवियर है कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस का। नेक्स्ट वन इज़ वॉलंटियरिंग टू कैरी आउट टास्क एक्टिविटीज दैट आर नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ द जॉब। दूसरी चीज़ ये कि बड़ा प्रोएक्टिवली परफॉर्म करते हैं आप, अगर जनरेटर है, जनरेटर के ऊपर आपकी ड्यूटी लगी हुई, तो आप कहते हैं कि जी ठीक है, जनरेटर मैंने 8 बजे ऑन करना है, उसके साथ जो है मैं इलेक्ट्रिसिटी का भी हिसाब रख सकता हूँ। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का भी हिसाब रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी आज कितने यूनिट्स खर्च हुए, कितने यूनिट्स खर्च हुए, कितनी देर इलेक्ट्रिसिटी आई। अगर आप वॉलंटियर करते हैं कि जी मैं ये काम भी साथ कर दूंगा, तो दैट इज़ व्हाट कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंसेस। फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट्स, मेकिंग कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, आप अच्छी सजेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। Then comes helping in cooperation with others. आप दूसरों को भी help out करते हैं, assisting and helping co-workers and customers, दूसरों को भी help out करते हैं। आप आपके junior colleagues हैं, आपकी जो responsibility generator है, आपके साथ दो और maintenance generator, maintenance के बंदे हैं, उनको भी आप help out करते हैं, किसी को generator ख़राब हुआ है तो अब उनकी responsibility को उन्होंने generator ठीक करना है, आप उनके साथ हेल्प करते हैं, को टूल्स पकड़ाने में, उनसे अच्छी तरह से उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जनरेटर ऑफ ऐसे ख़राब हो गया, ये हो गया, दैट इज़ व्हाट कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस इज। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स, आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, आप रिस्पेक्ट टू द अथॉरिटी, कंप्लाइंग विद ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस, आप साफ कपड़ों में यूनिफॉर्म पहन के आप ऑफिस आते हैं, आके आपने अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो सामने डिस्प्ले किया हुआ है, आप गेट पे सिक्योरिटी चेक के थ्रू आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस है। एंडोर्सिंग, सपोर्टिंग, डिफेंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल लॉयलिटी, रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन फेवरेबली टू आउटसाइडर्स, क्या आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करते हैं, बताते हैं कि इट इज़ सच अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव वेरी गुड, जस्ट अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, दे हैव वेरी गुड एग्जामिनेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इक्वली गुड, द मैनेजमेंट साइंसिस डिपार्टमेंट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। ये सारी बातें अगर मैं किसी को बताता हूँ तो ये मेरी कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस का एलिमेंट है। Before going to this case study and discussing it, let's go back to reviewing what is task performance, what is contextual performance. अब हमने बात की, पहले बात की कि जी परफॉर्मेंस मेजरमेंट में इश्यूज़ क्या आ सकते हैं, हमने बात की फिर डिटर्मिनेंट्स की कि जी 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और मोटिवेशन, इन तीनों की वजह से इश्यूज आ सकते हैं परफॉर्मेंस में। फिर हमने बात की कि सिर्फ ये डिटर्मिनेंट्स ही नहीं है, उसके अलावा बिहेवियर्स भी हैं। अब बिहेवियर्स तो बहुत सारे हैं,
अब बहुत सारे बिहेवियर्स में से हमने दो स्पेसिफिक निकाले. एक हमने बात की कि टास्क परफॉर्मेंस, एक कंटेक्सुअल परफॉर्मेंस. और ये दोनों बिहेवियर्स के पे हम क्या करते हैं, दोनों बिहेवियर्स पे बेस करके आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है? टास्क परफॉर्मेंस में तो ऐसे होती है कि जब आपको एक एक्टिविटी टास्क दिया गया कि आपने ये काम करना है और आप वो काम करते हैं या नहीं करते, ठीक है, आप वो काम करते हैं. उसके बाद कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस की है कि आप उस काम को कैसे करते हैं, आप जब काम वो करते हैं तो क्या उसके अलावा भी कोई आप प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए भी वॉलंटियर कर रहे हैं, अपने कोलीग्स की हेल्प कर रहे हैं, उनसे तमीज़ से बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के की वैल्यूज़ और उसकी प्रिंसिपल्स का ख्याल रख लें, गाइडलाइंस का ख्याल रखें, ये सारी क्या कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस है. सो बोथ ऑफ देम आर वेरी इम्पॉर्टेंट. हो सकता है कि किसी भी एम्प्लॉय का जो है, हम जब उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन करें तो टास्क परफॉर्मेंस उसकी ठीक हो, टास्क परफॉर्मेंस बिहेवियर ठीक हो, लेकिन कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस बिहेवियर उसका ठीक ना हो, या कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस बिहेवियर ठीक है, टास्क परफॉर्मेंस नहीं ठीक, या दोनों ख़राब हैं. तो हम जब भी परफॉर्मेंस के इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं तो एक तो हम डिटर्मिनेंट्स के थ्रू, एक हम करते हैं ये बिहेवियर के थ्रू, एक उससे पहले हमने बात की थी कि रिजल्ट्स और बिहेवियर्स हैं. नाउ गोइंग ऑन टू द केस स्टडी, बोथ टास्क एंड कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस आर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस टेक इनटू अकाउंट इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल एम्प्लॉयज आर आउटस्टैंडिंग रिगार्डिंग टास्क परफॉर्मेंस बट डू नॉट परफॉर्म वेल रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस. What if a colleague whose cubicle is next to yours need to take a bathroom break and ask you to answer the phone if it rings because an important client will call at any moment? What if he said that is not my job? जी ये दोनों important हैं, task भी और contextual भी. अब क्या है कि हम कुछ companies में ऐसा होता है कि task performance तो अच्छी है, contextual बिल्कुल नहीं है, किसी में contextual अच्छी है, task नहीं है. अब अगर कॉन्टेक्चुअल की उसने एक एग्जांपल बड़ी अच्छी यहाँ पे दी कि एक कोलीग है आपके साथ वाला दफ्तर, साथ वाली टेबल पे बैठता है, आपने किसी क्लाइंट के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो किसी वक्त भी फ़ोन आ सकता है, हो सकता है 10 मिनट में आए, हो सकता है 2 मिनट में आ जाए, और उसने बाथरूम जाना है, आपसे वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई अगर ये फ़ोन आ जाए तो काइंडली आप उनसे 1 मिनट बात कर लें, उन्हें कहें कि जी मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, होल्ड करा लें उन्हें, रादर देन के फ़ोन 1 मिनट बजता रहे और बंद हो जाए और क्लाइंट समझे कि फ़ोन नहीं उठा रहे और आपको भी पता ना चले कि उन्होंने फ़ोन किया था. आप अपने कोलीग से, साथ वाले टेबल वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर फ़ोन बजे तो काइंडली उठा लीजिए कि मैं 1 मिनट में बस वॉशरूम से वापस आ रहा हूँ, और कोलीग आगे से आपको जवाब देता है कि मेरा काम नहीं, इट्स नॉट माई जॉब, दैट मीन्स देर इज़ अ सीरियस कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस बिहेवियर प्रॉब्लम that exist in the organization, that exist with both of the employees. Many organizations now realize that there is a need to focus on both task and contextual performance because organizations cannot function properly without a minimum dose of positive contextual behavior on part of all the employees. Consider the case of TRW Automotive Incorporation, one of the world's 10 largest automobile suppliers and one of the top financial performers in the industry. TRW had 2006 sales of 13.1 billion and employed approximately 63,800 people. With increasing market pressure and sluggish growth, TRW wanted to become more performance driven, experiment in new markets and offer greater value to its shareholders. To do so, the senior management team developed what they labeled TRW behaviors. उन्होंने क्या किया, performance increase करने के लिए उन्होंने TRW behaviors के नाम से एक चीज निकाली. These behaviors are communicated through the company and have a prominent role in the performance management process. उन्होंने ये company ने communicate किया तमाम employees को और performance management system का इसे हिस्सा बना दिया गया. The majority of the TRW behaviors actually focus on contextual performance. Specifically, the TRW behaviors emphasize many of the elements of contextual performance, including teamwork and trust. Teamwork or trust, जो हैं ये behaviors को उन्होंने ज़्यादा importance दी.
Now main differences between task and contextual performance kya hain? Task performance varies across jobs, likely to be role prescribed, antecedent, abilities and skills. Task performance mein jaise baat ki ke role aapko diya hua hai, aapne ye kaam karna hai, aapki ability ya skill ke hisab se aapne usko move karna hai kaam. Contextual performance kya hai? Fairly similar across jobs, not likely to be role prescribed, antecedent, personality. Basically personality features hain sare. कि आप किसी की हेल्प करते हैं, कंपनी को अच्छा समझते हैं, टाइम पे आते हैं, नहीं आते, पंक्चुअलिटी, ये सारी कॉन्टेक्स्चुअल है. और टास्क परफॉर्मेंस ये है कि जो आपको काम दिया गया आप काम करेंगे. और वेरी कैसे करता है टास्क परफॉर्मेंस, कि हर किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है. जनरेटर वाला ने जनरेटर स्टार्ट करना है, गेट वाले ने सुबह गेट ही खोलना है, एयर एक प्रोडक्शन मैनेजर ने आके प्रोडक्शन को ही देखना है, मार्केटिंग मैनेजर ने आके मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग को देखना है. लेकिन कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस सारों की जो है मोर और लेस सिमिलर हो सकती है, कि मार्केटिंग जो मैनेजर है वो भी और जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो दोनों जो हैं वो भी टाइम पे आएँ, अच्छा नीटली ड्रेसअप होके आएँ, एक दूसरे से अच्छी तरह से मिलें और एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी तरह से बिहेव करें, लोगों को मोटिवेट करें. टेबल 4.2 जो अभी हमने लास्ट देखा, टेबल समराइजेज द मेन डिफरेंसेज बिटवीन टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस. फर्स्ट, टास्क परफॉर्मेंस वेरीज अक्रॉस जॉब्स. फॉर एग्जाम्पल, टास्क परफॉर्मेंस performed by an HR manager are different from those performed by a line manager, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया. The task performed by a senior HR manager that is more strategic in nature differ from those performed by an entry level HR analyst. अब सबके टास्क क्योंकि उसका डिफरेंट है तो वो उसकी टास्क की परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होगी. On the other hand, contextual performance is fairly similar across function and hierarchical levels. All employees, regardless of job title, function, responsibility, are equally responsible. For example, volunteering to carry out task activities that are not formally part of the job. Volunteer करना proactively, कि जी जो आपका काम नहीं भी आप कहते हैं कि जी हमें ये करके दे सकता हूँ, मुझे आता है काम. Second, task performance is likely to be role prescribed, meaning that task performance is usually included in one's job description. वो पहले से रोल स्पेसिफाइड होता है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने काम करना है. ऑन द अदर हैंड, कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस बिहेवियर्स आर यूजुअली नॉट रोल प्रिस्क्राइब्ड एंड इंस्टेड आर टिपिकली एक्सपेक्टेड विदाउट मेकिंग देम एक्सप्लिसिट. कि वो आपको समझाए या पढ़ाए नहीं जा सकते, आप खुद ही आपके एक्सप्लिसिटली आप उनको परफॉर्म करते हैं. फाइनली, टास्क परफॉर्मेंस इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय एबिलिटीज एंड स्किल्स, कॉग्निटिव फिजिकल स्किल्स, whereas contextual performance is mainly influenced by personality, for example conscientiousness. तो performance जो है वो आपकी contextual, वो basically आपकी personality driven होती है. Reasons for inclusion of task and contextual performance in performance management system. क्यों हम task और contextual performance को part बनाते हैं performance management system का? There are numerous pressing reasons why both task and contextual performance dimension should be included in a performance management system. First, global competition is raising the level of effort required of employees. Global competition bad raha hai, companies aapas mein ek dusre se compete kar rahi hain, aur uski wajah se kya ho raha hai कि एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर आ रहा है, एक तो टास्क परफॉर्म करने का, फिर टास्क के साथ अपने बेहतर बिहेवियर्स परफॉर्म करने का. कंपनीज अब ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि जी कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसकी वेटेड, उसकी एवरेज ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए इन रिलेशन टू द टास्क परफॉर्मेंस. उसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्पोरेट वैल्यूज़ कंपनी की इंक्रीज़ होती हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ उनकी लॉयल्टी बढ़ती है कंपनी के साथ, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल कंपटीशन. आज आप एक एम्प्लॉय को यहाँ पे ही फाइनिंग फीलिंग सम प्रॉब्लम, तो वो यहाँ से छोड़े किसी और कंपनी में चले, वहाँ से छोड़े कहीं और चला जाएगा. तो आपको एम्प्लॉय रिटेंशन जो है इट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो दैट इज़ वाई कंपनीज फोकस करती हैं, स्ट्रेस करती हैं कि जी कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस बिहेवियर जो है ये भी मोर इम्पॉर्टेंट है, जो कि जिसकी वजह से एक अच्छी एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी चाहिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर टास्क एक्टिविटीज. सेकेंड रीजन क्या है जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इंक्लूड करने की? दैट इज इश्यू ऑफ ग्लोबल कंपटीशन इज नीडेड टू
offer outstanding customer service. अब एक तो हमने global competition देखा in perspective of the employees. अब customer service. Contextual performance behavior can make a profound impact on customer satisfaction. Customer satisfaction हम कैसे increase कर customer service अगर अच्छी provide करेंगे customer service अच्छी कैसे provide की जा सकती है कस्टमर सर्विस अच्छी ऐसे प्रोवाइड की जा सकती है. हमने लास्ट सेशन में भी एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने बात की थी कि एक कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती है साथ कस्टमर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. एक प्रोडक्ट एक कस्टमर ने ख़रीदा, ख़राब हो गया, उसके पास ले किया है. अब वो अगर वारंटी में है और कस्टमर सर्विसेज वाले कहते हैं कि हाँ जी ये ठीक हो जाएगा, हम आपको ठीक करा देंगे, तो टास्क तो परफॉर्म हो गया. लेकिन अगर वो साथ कहते हैं कि जी हम बहुत जो है ज़िम्मेदारी से आपको क्या कहते हैं आपसे माजरत कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होना चाहिए था, ये वारंटी में कवर होता है, हम इसको ज़रूर ठीक करा के देंगे, ना सिर्फ ठीक करा के देंगे बल्कि आपकी वारंटी भी कंटिन्यू रहेगी और बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, हम इसके अभी भी कोई चार्जेस आपसे नहीं लेंगे, हम आपसे कोई सर्विस चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हम आपको ठीक करा के देंगे. प्लस आपको हम साथ इसके एक तो वारंटी भी एक्सटेंडेड दे रहे हैं और आपको आपको कोई और हम साथ कोई गिफ्ट पैकेज भी दे रहे हैं. या फिर ये एक एक दफ़ा उसका प्रोडक्ट ठीक करा के कस्टमर घर चला गया, आपने 5-6 दिन बाद एक हफ़्ते बाद दोबारा कॉल करके पूछा कि जी मैं आपसे पूछना था कि वो प्रोडक्ट ठीक चल रहा है, फिर तो नहीं ख़राब हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा ले आइए, हम दोबारा आपको हेल्प करने को तैयार हैं. दिस इज़ व्हाट कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस इज. टास्क तो आपने कर दिया कि वो लाया, आपने ठीक करके दे दिया. अब अगर उसके साथ हम रिलेशनशिप भी डेवलप करते हैं कस्टमर के साथ, तो इट्स अ ग्लोबल इन्वायरमेंट. ग्लोबली वो क्या है कि वो आपका अगर आप अच्छी तरह उसके साथ बिहेव नहीं करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट छोड़ के कल किसी और कंपनी का ख़रीद लेगा. उसके पास तो देर आर लॉट ऑफ चॉइसिस. तो कस्टमर रिटेंशन के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड क्या है, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज इनटू टीम्स. ऑल्दो सम टीम्स मे नॉट बी परमानेंट बिकॉज दे आर क्रिएटेड टू कंप्लीट अ शॉर्ट टर्म टास्क, द रियलिटी ऑफ टूडेज वर्ल्ड ऑफ वर्क इज दैट टीम्स आर हेयर टू स्टे. इंटरपर्सनल कॉपरेशन इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ टीम इफेक्टिवनेस. अब क्या है फिर कॉन्टेक्स्चुअल जो है परफॉर्मेंस की बात आ गई कि कंपनीज क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी हैं, शॉर्ट टर्म के उनके एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो वो उसमें भी वो फोकस करते हैं कि इनके आपस में इंटरपर्सनल स्किल्स इतने अच्छे डेवलप्ड हों कि इनके टीम की परफॉर्मेंस बढ़े. फोर्थ, इंक्लूडिंग बोथ task and contextual performance in the performance management system provides an additional benefit. Ek aur benefit kya, employees being rated as are more satisfied with the system and also believe the system is more fair if the contextual performance is measured in addition to task performance. Most important and the fourth main point of including the task and the contextual performance in a performance management system is that employees feel associated with the system. Performance management system mein ab main ek employee hu, mujhe ek task diya jata hai, meri responsibility, main apna task pura karta hu, ek to meri task performance increase kar rahi hai, dusra agar main task bhi kar raha hu aur logon ko help out bhi kar raha hu और भी लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आता हूँ, वॉलंटियर भी कर रहा हूँ कि ठीक है ये काम भी मैं कर देता हूँ, आज अगर फलाना मैनेजर नहीं आया तो उसकी जगह भी मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ, उसके डिपार्टमेंट को मैं ये भी कर रहा हूँ, तो क्या है कि अगर ये मेरी कॉन्टेक्चुअल बिहेवियर मेरी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है. देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम किस तरह दो चीज़ों पे कर रहे हैं, टास्क परफॉर्मेंस और कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस. अब अगर मैं सिर्फ टास्क परफॉर्मेंस पे करूं, साथ में कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस भी दे रहा हूं, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट से टास्क पे हो रही है, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा इतनी कम एक्स्ट्रा काम करने का, लोगों को हेल्प आउट करने का, लोगों से अच्छे तरीके से पेश आने का, रोज़ ऑफिस टाइम पर आने का. ठीक है, मैं देखूंगा कि और भी लोग हैं जो नहीं टाइम पे आते, काम प्रॉपरली नहीं करते, टास्क तो करते हैं पूरा करते हैं लेकिन बस ऐसे ही करते हैं, तो मुझे आई विल बी डीमोटिवेटेड. अब अगर मेरी कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस भी असेस हो रही है,
उसको भी परफॉर्मेंस चेक हो रही है, तो आई विल बी मोर हैप्पी, आई विल फील मोर एसोसिएटेड. मैं कहूँगा कि जी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि मेरी वो भी चेक देख रहे हैं कि जी मैं कौन कौन सा मैंने एडिशनल काम किया, मुझे एक्स्ट्रा उसकी पे भी देते हैं, मैंने जो है कितने लोगों को हेल्प आउट किया और कौन से, ये सारी चीज़ें जो है मेरी भी चेक हो रही हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. इट सीम्स दैट employees are aware that contextual performance is important in affecting organizational effectiveness and therefore believe that these type of behaviors should be included in a performance management system in addition to more traditional task performance. Aur kya hai ki employees are aware that contextual performance is important to uski wajah se wo contextual performance bhi increase jab karna chahte hain, इस पे भी काम करना चाहते हैं, तो दे वांट कि उनके परफॉर्मेंस में भी ये शामिल हो. फाइनली व्हेन सुपरवाइजर्स एवेल्युएट परफॉर्मेंस इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू इग्नोर द कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस डायमेंशन इवन दो द वैल्यूएशन फॉर्म दैट दे आर यूजिंग मे नॉट बी इंक्लूडेड एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस. अब क्या है, सुपरवाइजर्स मैनेजर्स जब मेरी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करते हैं तो वो मेरी बेसिकली तो टास्क परफॉर्मेंस को चेक कर सक रहे होते हैं, कॉन्टेक्स्चुअल को नहीं देख रहे होते. क्वेश्चनेयर जो वो फिल कर रहे होते हैं मेरा परफॉर्मा अप्रेजल परफॉर्मा, उसके अंदर भी कॉन्टेक्स्चुअल नॉलेज कहीं, कॉन्टेक्स्चुअल पार्ट कहीं पे नहीं होता, पूछा नहीं जाता कोई सवाल भी. लेकिन क्या है, उसमें एक अदर डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है जहाँ पर वो ही कैन डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग्स. सो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है मैनेजर को कि मेरी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने में, लेकिन वो इन टर्न इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉय. नाउ लेट्स गो थ्रू दिस केस स्टडी. इन शॉर्ट परफॉर्मेंस इंक्लूड्स बोथ अ टास्क एंड अ कॉन्टेक्स्चुअल डायमेंशन, बोथ शुड बी कंसिडर्ड बिकॉज बोथ डायमेंशंस कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. In the case of both task and contextual performance, each behavior should be defined clearly so that employees understand what is expected of them. Organizations that include both task and contextual dimensions are likely to be more successful, as in the case of O2 Ireland. Ireland's second largest mobile phone operator, headquartered in Dublin, O2 Ireland employs more than 1750 people. In 2000, O2 Ireland implemented a performance management system in its 320-seat customer care center in Limerick. O2's performance management system includes task-related facets centered in hard metrics regarding productivity as well as contextual-related facets such as involvement in staff socialization and contribution to team development. अब वो क्या है, O2 क्या करता है, उसने अपना जो नया 320 सीट कस्टमर केयर सेंटर बनाया, उसके परफॉर्मेंस वो किस तरह से देख रहे हैं वहाँ पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो उन्होंने इम्प्लेस किए, एक तो वो देखते हैं टास्क एम्प्लॉयज़ पूरा कर रहे हैं नहीं, फिर वो देख रहे हैं कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, जिसके अंदर उन्होंने कि जी स्टाफ जो है कस्टमर्स के साथ सोशलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और टीम डिवेलपमेंट में वो क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. The targets set for each employee are also aligned with the company objectives. O2 concluded that this focus on both task and contextual performance has led to higher level of customer service and employee satisfaction. Employees bhi satisfy, customers bhi. Customer satisfaction bhi increase ho rahi hai. Task and contextual performance at Sprint Nextel, another case study. Sprint Nextel is a provider of local wireless long distance voice and voice over IP services. The company is headquartered in Reston, Virginia. At Sprint Nextel, all employees are evaluated and developmental plans are created through the use of 5 core competencies or dimensions. These dimensions include act with integrity, contextual dimensions, kya kis tarah se dali competencies, act with integrity, focus on customer, deliver results, build relationships and demonstrate leadership. ये वो पांच उन्होंने कहा कि जी नेक्स्ट स्प्रिंट नेक्स्टल जो है उसके एम्प्लॉयज़ इन पांच चीज़ों के ऊपर उन्हें एवेल्यूएट किया जाता है और उस इन पे बेस करके उनके डेवलपमेंटल प्लान्स बनते हैं. द डायमेंशंस आर यूज नॉट ओनली फॉर बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो एज अ टेम्पलेट फॉर व्हाट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस लुक्स एट द कंपनी. एक तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी पांच डायमेंशंस यूज करते हैं, फिर वो कंपनी की परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी इन्हीं पाँच चीज़ों पर चेक करते हैं, असेस करते हैं.
These dimensions include the consideration of both task and contextual performance, and employees in the evaluation and development process are asked to write behavioral examples of how they have performed on each dimension. वो क्या करते हैं, पांच dimensions हैं. Task, एक तो उन्होंने task behavior performance है, एक उन contextual performance है, उसके relate, in relation to that हर employee को कहते हैं कि जी आप बताएं कि आपने इंच पांच जो dimensions हैं इस पे कोई ने एक एक example दें कि आपने कैसे perform किया. For example, the delivering results dimension clearly links to performing specific task of one jobs. Each employee has certain tasks to complete on a regular basis to keep the company business moving. On the other hand, the company is concerned about how the work gets done and contributed to a good work environment that allows for greater effectiveness. This is apparent through the dimension that look at how employees develop relationship with others. एक तो कि आपस में कैसे एक दूसरे के साथ relationship develop करते हैं. And act with integrity in their day-to-day functioning. In summary, Sprint Nextel has recognized the importance of considering both task and contextual components of a job in its performance management system. उन्होंने क्या किया, task और contextual के importance को उन्होंने जान के performance management system को से part बनाया. Employees are evaluated not only on results, but also on how they are achieved through working with others. और पांच dimensions उन्होंने दे दी कि जी ये पांच डायमेंशंस हैं, इन पांच डायमेंशंस के ऊपर बेस करके कंपनी की स्ट्रेटजी भी बनेगी, एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंटल प्लान्स भी इन पांच जो है डायमेंशंस के ऊपर बनाए, और इन पांच डायमेंशंस को अप्रेजल सिस्टम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का भी हिस्सा बनाया. और उन्होंने कहा कि जी इन पाँचों डायमेंशंस के जो हैं पे आप खुद बताएँ कि आप एक एक एग्जाम्पल दें, अपनी एग्जाम्पल खुद दें कि आपने क्या क्या किया. सो Now we have come to the last part of this lecture, this session. It's the summary. What we have learned in this lesson is determinants of performance. Determinants of performance mein humne baat ki thi ki ji there are three determinants of performance. One is declarative, the other one is procedural or motivation. फिर हमने बात की कि इनको हम कैसे इन तीनों पे बेस करके हम अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी और हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. मैनेजर क्या करता है कि डिक्लेरेटिव नॉलेज वाला पार्ट जो है उसको वैल्यूएट करता है, फिर प्रोसीजरल और मोटिवेशन तीनों को कैसे असेसमेंट कैसे करता है. फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस हमने वो देखे. फिर हमने बात की कि परफॉर्मेंस की डायमेंशंस क्या हैं, हमने दो डायमेंशंस को डिस्कस किया. एक हमने बात की कि वन इज कॉन्टेक्सचुअल एंड द अदर डायमेंशन इज टास्क, टास्क परफॉर्मेंस और कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस. और हमने देखा कि इन दोनों पे बेस करके हम कैसे परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं. फाइनली हमने वी डिस्कस्ड द रीजंस फॉर इंक्लूजन ऑफ टास्क एंड कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस इन अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. हमने बात की कि एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हम कॉन्टेक्सचुअल और टास्क को उसका पार्ट क्यों बनाते हैं, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट. हमने वो रीजंस, पांच रीजंस डिस्कस की. सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.